वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म महामुनि के बारे में। जी हाँ, ये जो फिल्म है ये हिंदी डब वर्जन है तमिल फिल्म मगामुनि का, जहाँ पे लीड रोल में आपको नजर आते हैं आर्या और महिमा नाम्यार। तो ये जो फिल्म है ये 12 फरवरी को गोल्डमैन टेल फिल्म के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवाई गई थी, जहां पर मैंने इस फिल्म के रिव्यू के वक्त ये कह दिया था कि ये जो फिल्म है काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये फिल्म समझ नहीं आने वाली है। और जब ये फिल्म यूट्यूब पर अपलोड हुई, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, और अपलोड होने के बाद लोगों ने गोल्डमैन टेल फिल्म से लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में हर जगह फिल्म को गालियां दी और हमें भी गालियां दी। तो देखो, वैसे तो मुझे तो गालियां खाने की आदत पड़ चुकी है और हर रिव्यू में मैं खाता ही हूँ। अच्छा बोले तो भी खाता हूँ, बुरा बोले तो भी खाता हूँ, तो वो तो छोड़ ही दीजिए। पर कहीं ना कहीं मुझे बुरा इस बात का लगा कि लोग फिल्म के डायरेक्टर को गाली दे रहे थे, लोग कह रहे थे कि पागल है, क्या फिल्म बनाई है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद मेरा जो दिमाग है थोड़ा सा खराब हो गया था। तो आप सभी को पता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है मैं ज्यादा अपने चैनल पर बनाता ही नहीं हूँ, और क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पसंद भी नहीं है, और वो जो कला होती है एक्सप्लेन करने की वो मुझे उतनी अच्छी तरीके से शायद आती भी नहीं है। और यूट्यूब पे पहले से ही काफी सारे लोग इस काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, पर क्योंकि इसके बारे में किसी ने बात नहीं की तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे ही बात करनी चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कहीं पर भी मैं अपने रिव्यू को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। रिव्यू जो था वो था, वो अपनी जगह पर था। इसे मैं केवल इसलिए बना रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको समझ आए कि फिल्म क्या कहने की कोशिश कर रही है, और इन सभी चीजों को जानने के बाद और राइटिंग किस हिसाब से हुई है इस फिल्म की, इस चीज को समझने के बाद आप एटलीस्ट फिल्म के डायरेक्टर की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उस डायरेक्टर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही फिल्में डायरेक्ट की हैं, और इस फिल्म को बनाने में और लिखने में उसने 8 साल का समय दिया है। और कहना चाहूंगा एक और चीज की भले ही कुछ लोगों ने इस फिल्म को गालियां दी, फिल्म को क्रिटिसाइज किया, वो तो अलग बात है, पर वहीं काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने इस फिल्म को समझा और फिल्म की तारीफें भी की हैं। तो ये जो वीडियो है उन दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए मैंने बनाई है, जिनको फिल्म समझ आई है उनके लिए भी, और जिनको नहीं समझ आई है उनके लिए भी। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिनको ये फिल्म बिल्कुल समझ आ गई है वो लोग तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि जब आप लोग इसे देखोगे ना तब कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। जी हाँ, जब आप इसे देखोगे ना तो ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी जिनको आप और अच्छी तरीके से समझोगे, और तब आपका जो रिएक्शन रहेगा कमेंट सेक्शन में उसके लिए मैं इंतजार में बैठा हुआ हूँ। अब इसके अलावा बात करें इस वीडियो की, तो जब भी मैं कभी इस किस्म का वीडियो लिखता हूँ तो मैं अक्सर नरेशन इस हिसाब का लिखता हूँ कि वीडियो जो है थोड़ा सा ज्यादा इंगेजिंग बने और आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से बना रहे। पर शायद ये वो जो चीज है इस वीडियो में आपको उतनी अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगा जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, क्योंकि इस वीडियो का जो नरेशन है काफी बिजी स्केड्यूल के बीच में लिखा गया है, और जो ये वीडियो है इसकी जो रिकॉर्डिंग है तकरीबन 10 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी, पर मुझे आज जाकर इसे एडिट करने का वक्त मिला है। तो हो सकता है कि वीडियो जो है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे और कुछ 20 मिनट का वीडियो है, पर एक चीज कहूंगा झेल लेना, मतलब हो सके कि बोरिंग लगे, थोड़ा सा प्रवचन टाइप का लगे, झेल लेना, क्योंकि अगर आप इस 20 मिनट को झेल लेते हो या देख लेते हो तो शायद इस फिल्म को लेकर जो आपके नजरिया है वो थोड़ा सा बदल जाए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इस फिल्म की फिलोसॉफी के बारे में बात करेंगे, फिल्म के कंसेप्ट, फिल्म के थीम के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि आखिरकार ये फिल्म क्या कहना चाहती है, और उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म का क्लाइमैक्स एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, क्लाइमैक्स को लेकर और पागल खाने को लेकर जितने भी सवाल हैं आपके मन में उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप पूरा देखोगे, और पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा कि आखिरकार ये वीडियो आपको कैसा लगा और अब इस फिल्म को लेकर आपके जो विचार हैं वो क्या बन चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं नाम से, महामुनि। तमिल में कहा जाए तो मगामुनि, तमिल में देखा जाए तो मगामुनि कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, पर अगर आपने पोस्टर पर नजर डाली हो तो ये कुछ अलग सा ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नजर पड़ती है वो है इस सिंबल के ऊपर। जी हाँ, ये जो सिंबल है ये ट्राइक्यूरेटा का सिंबल है। ट्राइक्यूरेटा के सिंबल के वैसे तो काफी सारे मायने होते हैं, जिनमें से एक है प्यार, भरोसा और उम्मीद, यानी कि लव, फेथ एंड होप। और इस चीज की कंफर्मेशन आप चाहे तो गूगल पे जाके कर सकते हो। ये सिंबल हमें मगामुनि नाम के मगा शब्द के ऊपर नजर आ रहा है, और अगर आपने फिल्म में ध्यान दिया हो तो महा या फिर कहें मगा का जो कैरेक्टर है वो अपने पत्नी और अपने बेटे से काफी ज्यादा प्यार करता है। उसे पता है कि पॉलिटिक्स में लोग किस हद तक गिर सकते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने पॉलिटिशियन मालिक पर काफी ज्यादा भरोसा करता है, और उसे इस चीज की उम्मीद है कि उसके द्वारा किए गए सभी कामों की जो पेमेंट है उसका पॉलिटिशियन मालिक एक दिन पूरा कर देगा, और वो इन सभी चीजों से काफी दूर चला जाएगा, और उसके बाद वो अपने पत्नी और अपने बेटे के साथ एक खुशी भरा जीवन बिताएगा। वैसे तो मगा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उसने काफी लोगों को मारा है, पर कहीं ना कहीं फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है कि वो इन सभी चीजों से अब दूर जाना चाहता है, और शायद वो अब इसीलिए एज अ टैक्सी ड्राइवर
ड्राइवर काम कर रहा है, पर जब वही जरूरत पड़ने पर उसने अपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी से पैसे मांगे तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया गया। और नेक्स्ट फ्रेम में कैमरा ईश्वर की तस्वीर की तरफ जाता है। वो आदमी जो अपने लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को पैसे नहीं दे पा रहा है उसकी मजबूरी के वक्त, उस आदमी ने सृष्टि की रचना करने वाले, पूरी सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर को, जिन्हें प्यार और श्रद्धा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, उनकी तस्वीर के ऊपर नोटों की माला चढ़ा के रखी हुई है। इस फिल्म की एक और जो सबसे खास बात है वो ये है कि फिल्म में दो अलग अलग कैरेक्टर्स दो अलग अलग टाइप की जिंदगी बिता रहे हैं, इसके बावजूद भी एक लंबे समय तक इस चीज का पता नहीं चल पाता है या फिर कंफर्मेशन नहीं हो पाती है कि ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं या फिर दोनों ही एक ही इंसान है। और इसी के साथ साथ फिल्म में दो अलग अलग शख्स के होने के बावजूद भी, दो जुड़वा शख्स के होने के बावजूद भी, फिल्म में दोनों के कैरेक्टर के साथ साथ फिल्म में दोनों की सोच के ऊपर एक गहरा फोकस डालने की कोशिश की गई है। और यहीं पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो महा, जो कि बहुत ही ईमानदारी के साथ पर गुलामी की जिंदगी बिता रहा है, उसे ना ही पैसे मिल पा रहे हैं और ना ही उसे कहीं से इज्जत मिल पा रही है। और फिल्म में इसी चीज को दिखाने के बाद कुछ मिनटों के बाद फिल्म जो है मुनि की तरफ बढ़ जाती है, जहां पर फिल्म में मुनि को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसी इंट्रोडक्शन सीन के साथ हमें पूरी फिल्म के दौरान महा और मुनि दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में कुछ कमाल के कनेक्शन देखने को मिलते हैं, और ये दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे के लिए काफी कुछ कहने की कोशिश भी करते हैं। वैसे तो फिल्म के हिंदी डब वर्जन में मुनि का जो इंट्रोडक्शन सॉन्ग था उसे तरह से ट्रिम कर दिया गया है, पर एक चीज की मुझे खुशी हुई कि फिल्म में इस सीन को रखा गया है जहां पर मुनि इन बच्चों को एक फिल्म दिखाने जा रहा है। तो वैसे तो यहां पर इस फिल्म का जो नाम है पूरी तरह से हिंदी डब वर्जन में या फिर तमिल वर्जन में कहीं पर भी आपको पूरी तरह से नजर नहीं आएगा, पर जो चीजें यहां पर नजर आ रही है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। तो यहां पर जो चीजें नजर आ रही है उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर साफ साफ हमें चार्ली चैपलिन नजर आ रहा है जो कि लिखा हुआ है। इसी के साथ यहां पर बैकग्राउंड में हमें एक घड़ी की तस्वीर भी नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर बच्चों को चार्ली चैपलिन की 1936 में आई फिल्म यानी कि मॉडर्न टाइम्स को दिखाया जा रहा है। ये जो फिल्म थी यानी कि मॉडर्न टाइम्स ग्रेट डिप्रेशन के वक्त रिलीज करवाई गई थी, जब अमेरिका में लोगों के पास नौकरी नहीं थी और अमेरिका की जो आर्थिक हालत थी वो भी काफी खराब थी। उस वक्त इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और यहाँ पर इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने के बाद ज्यादातर लोग एक एक पैसे एक एक रोटी के लिए इन कंपनियों के ऊपर निर्भर हैं, वो कंपनियां जो इन लोगों को, इन इंसानों को किसी मशीन से कम नहीं समझती है। और जब कभी भी इन कंपनियों के ऊपर आफत आती है या फिर ये कंपनियां डूबने लगती हैं, उस समय जिस पर सबसे बड़ी आफत आती है वो होते हैं इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूर, जिनको कंपनी वाले बुरे वक्त में पूछते भी नहीं है। और इसीलिए बाद में फिल्म में दिखाया गया है कि मुनि राज यानी कि मुनि जो कि एक ब्रह्मचारी जीवन बिता रहा है, उसे किसी की गुलामी करना पसंद नहीं है, इसलिए वो छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहा है और साथ ही साथ खुद की एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसे पता है कि फ्यूचर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो अहमियत है वो जरूर बढ़ने वाली है। और फिल्म में आपको मुनि जहां पर रहता है वहां पर कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए दुकान भी आपको नजर आ जाएंगे। तो एक तरफ से मुनि यहां पर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर जीवन बिता रहा है। अब वापस आते हैं महा के कैरेक्टर के ऊपर। तो फिल्म में महा को एक बहुत ही खतरनाक किलर या फिर कहें एक बहुत ही स्मार्ट किलर दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है। पर इसके बावजूद भी जब स्कूल में उसके बेटे पर बेवजह हाथ उठाया जाता है और उसे चोट लग जाती है, इन सभी चीजों के बावजूद भी वो जब स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने जाता है, वहां पर वो प्रिंसिपल से बहुत ही प्यार बहुत ही नम्रता के साथ बात करता है और उन्हें बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करता है। इसी के साथ फिल्म की शुरुआत में ये भी दिखाया गया है जब कार का साइड मिरर उसकी गलती के वजह से नहीं टूटता है फिर भी वो अपने पगार से पैसे को काटने के लिए बोलता है, तो इन सभी चीजों से दिखाने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं महा का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में किसी कोने में जो इंसानियत है वो अभी भी बची हुई है। और वो ये जो कत्ले कर रहा है, जो पॉलिटिशियंस के लिए काम कर रहा है, वो केवल रोटी के लिए कर रहा है, क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में ईमानदारी के साथ काम कर रहा है तो उसे बिल्कुल पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि महा जो कि इतने सारे गुनाह और इतने बड़े क्राइम्स को अंजाम दे रहा है फिर भी
उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत बाकी है और वो अभी भी इन सब चीजों को सिर्फ और सिर्फ रोटी और पैसों के लिए कर रहा है। और इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो कि इस सीन में जहां पर महा एक बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बात करता है, इस सीन में आपको जीसस क्राइस्ट की तस्वीर देखने को मिलती है। जी हाँ, तो जिस तरह से जीसस क्राइस्ट के साथ पॉलिटिक्स के कारण उनके अपने ही लोगों ने धोखा किया था, उसी तरह यहाँ पर महा के साथ भी पॉलिटिक्स के कारण वो जिन पर भरोसा करता है उन्होंने ही उसे धोखा दिया। इस चीज से चाहे तो आप डिसएग्री भी कर सकते हो, पर करने से पहले एक और चीज पे नजर डाल लो कि यहाँ पर महा यानी कि मगा का जो नाम लिखा गया है मगा मुनि के टाइटल में, यहाँ पर आपको क्रॉस का साइन भी देखने को मिलता है और इस क्रॉस के साइन के साथ यहाँ पर आपको वो चक्कू भी देखने को मिलती है जो महा यूज करता है। तो कहीं ना कहीं फिल्म के डायरेक्टर भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर नजर डाली जाए मुनि के कैरेक्टर की तरफ तो बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग, हमेशा चेहरे पे एक मुस्कान, माथे पे बबूत और गले पे हमेशा एक त्रिशूल का लॉकेट। तो इन सभी चीजों को दिखाने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें मुनि के कैरेक्टर के द्वारा हमें भगवान शंकर यानी कि महादेव की याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। और फिल्म में अगर आपको याद होगा तो फिल्म में एक सीन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जहां पर मुनि को सांप के द्वारा कटवा दिया जाता है और जब उसके शरीर में विष प्रवेश कर जाता है उस वक्त दीपा यानी कि महिमा नाम्बियार आती है और उन्हें बचाती है। और इस सीन को देखते समय कहीं ना कहीं समुद्र मंथन की याद आ जाएगी जहां पर भगवान शंकर जब विषपान कर रहे थे उस वक्त माता पार्वती ने किस तरह से आकर उनका साथ दिया था। तो कहीं ना कहीं इस सीन को देखने के बाद इस चीज की भी याद हमें आती है और हो सकता है कि डायरेक्टर भी इसी चीज का रेफरेंस हमें देने की कोशिश कर रहे हो। पर एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टर यहाँ पर कहीं पर भी दोनों कैरेक्टर को कहीं पर भी किसी भी भगवान के साथ कंपेयर करने की या फिर पूरी तरह से दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट और शंकर भगवान को क्यों दिखाया गया है उसके बारे में हम बात अगले टॉपिक में करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं फिल्म के अगले टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है और वो है कास्ट सिस्टम यानी कि जातिवाद। तो फिल्म में जातिवाद को लेकर हमें काफी सारे हार्ड हिटिंग डायलॉग्स और काफी शॉकिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पर मुनि इस सीन में ये कहता है कि कास्ट सिस्टम जो है बिल्कुल प्लास्टिक की तरह हो चुका है, जिसे खत्म करना या फिर नष्ट करना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। और अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो जो प्लास्टिक है वो आपको एक सूखे पेड़ के ऊपर टंगे हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे इस चीज के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक ऐसे चीज के सहारे खड़ा है जिसका अब कभी भी किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। इसके अलावा फिल्म में एक और बहुत ही शॉकिंग चीज थी जो शायद ही आपने नोटिस की हो, तो अगर आपको याद हो तो फिल्म में जयराम यानी कि दीपा के जो पिता का रोल प्ले कर रहे हैं उनके घर के बाहर आपको चार्जर का एक गुच्छा नजर आता है या फिर कहें चार्जर के जो पिन होते हैं अलग अलग पिन का गुच्छा आपको नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग पिन है अलग अलग कास्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज यहां पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दीपा के पिता यानी कि जयराम के लिए जो लोग काम करते हैं उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए घर के अंदर आने का, इसीलिए जो चार्जिंग की सुविधा है वो घर के बाहर दी गई है। मतलब वो शख्स जिसके लिए उसके आदमी बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसके लिए काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इसके मन में जातिवाद को लेकर भेदभाव है। तो यहाँ पर जो जातिवाद है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है इस चीज को यहाँ पर इस सीन के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा फिल्म में दो और सीन्स थे जिन्हें बहुत ही पावरफुल तरीके से पेश किया गया है, जिनमें से पहला सीन वो था जहां पर मुनि दीपा को भगवान को लेकर उसके क्या विचार है वो बताने की कोशिश करता है। वहीं दूसरे सीन में मुनि नंदी के पास बैठकर भगवान शिव के सामने कास्ट सिस्टम को लेकर उसके दिल में जो दुख है उसे प्रकट की कोशिश करता है। तो इन दोनों सीन्स में जो डायलॉग्स हैं वो हिंदी डब वर्जन और तमिल वर्जन दोनों में लगभग सेम ही है, तो डायलॉग्स को तो आपने सुन लिया होगा। तो इन दोनों ही सीन्स में जो डायलॉग्स को बोले गए हैं अगर उन सभी चीजों को एक कर एक लाइन में बताने की कोशिश की जाए तो यहां पर फिल्म में ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि ईश्वर ने कभी भी जात पात या फिर कास्ट सिस्टम जैसी किसी भी चीज को नहीं बनाया है, बल्कि इन सभी चीजों का जो निर्माण है या फिर ये सभी चीजें तब बनी जब इंसान को बुद्धि दी गई। जब कभी किसी इंसान ने मेहनत करके 2 रुपया कमाने के लिए किसी काम को अपनाया तो उसके काम के द्वारा उसके कास्ट को डिसाइड कर दिया गया। और यही चीज यहाँ पर मुनि अपने डायलॉग्स के द्वारा बोलने की कोशिश करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म में जीसस क्राइस्ट और भगवान शंकर का जो रेफरेंस दिया गया है उस रेफरेंस के द्वारा इन दोनों सीन्स के द्वारा ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, ये कोई आज के समय की बात नहीं है, हमारे देवी देवताओं के समय
से ये चीजें चलती आ रही हैं और हर समय हर युग में हर किसी को इन सभी चीजों का सामना करना पड़ता है। और जब इतने लंबे समय से ये चीजें चलती आ रही हैं और ये चीजें आज तक खत्म नहीं हो पाई हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में इन सभी चीजों को खत्म किया जा सकता है। पर साथ ही साथ यहाँ पर फिल्म में इन सभी चीजों को खत्म करने का एक उपाय भी बताया गया है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अब तक आपको फिल्म की जो फिलॉसफी है, जो थीम है, वो शायद अब तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की तरफ। तो फिल्म के क्लाइमेक्स को देखने के बाद और फिल्म के क्लाइमेक्स में पूरी तरह से क्लियर तरीके से बताने के बावजूद भी काफी लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि फिल्म में मुनि मरा या महा। तो इस सवाल का जवाब यह है कि फिल्म में मुनि मर गया है। पर यहीं पर मुनि के मरने के साथ ही आपको कर्मों के फल का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। महा, जो अपने बेटे और अपने पत्नी दोनों से ही बहुत प्यार करता है, अपने पॉलिटिशियन मालिक पर बहुत ही भरोसा करता है और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने सभी काम को पूरा करता है, पर वो कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि वो एक खूनी है और उसने भले ही किसी भी परिस्थितियों में गलत काम को अपनाया है और जो गलत काम की जो सजा है वो हर किसी को किसी ना किसी तरीके से जरूर मिलती है। और वही यहाँ पर फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है कि कुछ अच्छे गुणों के होने के बावजूद भी महा, जिस जो कि एक खूनी है, उसने अपनी पत्नी को खो दिया और साथ ही साथ वो अपने नेक दिल और निर्दोष भाई की मौत का भी कारण बना। वहीं दूसरी तरफ मुनि, जो कि बहुत ही साफ दिल का था और समाज के लिए कुछ करना चाहता था, वो मरने के बावजूद भी अमर हो गया। उसी के कारण उसके भाई की जान बची, उसी के कारण दीपा ने महा के बेटे को मुनि की मां तक पहुंचाया और कहीं ना कहीं मरने के बावजूद भी वो जो करना चाहता था उन सभी चीजों को अब महा पूरा करने वाला है। अब आते हैं कुछ और सवालों की तरफ जो आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे फिल्म को देखने के बाद, जिनमें शामिल है महा को योगा कैसे आती है, मुनि के साथ जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में महा को कैसे पता है और उसके ख्यालों में वो सभी चीजें क्यों आ रही थी और आखिरकार वो पागल कैसे हुआ। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है वो एक ही घटना के अंदर छुपा हुआ है, तो चलिए उसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की घटना घटी होगी कि दीपा, जो मुनि को पहले से जानती थी, उसे पता था कि मुनि जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। वो जब मुनि को मिलने आई तो शायद तब तक मुनि जो है मर चुका था। फिर उसने वहीं पर महा को देखा, उसके बेटे को देखा और वहीं से उसने महा के बेटे को लेकर मुनि के माँ को सौंप दिया। और शायद इसी दौरान दीपा ने महा को मुनि के बारे में बताया होगा, किस तरह से वो एक नेक दिल इंसान था, किस तरह से वो निर्दोष था और वो समाज के लिए किस तरह से कितना कुछ करना चाहता था और साथ ही साथ उसके जीवन का क्या उद्देश्य था। इन सभी चीजों को उसने शायद महा को बताया होगा। महा, जिसकी अपनी ही गलती के वजह से पहले उसने अपनी पत्नी को खोया और बाद में उसकी अपनी ही गलती के वजह से अनजाने में वो अपने भाई की मौत का कारण भी बना। और अगर आपको याद हो तो पूरी फिल्म के दौरान उसे अपने अतीत की याद सताती रहती है, उसे परेशान करती रहती है। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं कारण बनी उसके मानसिक संतुलन के बिगड़ने का। और यहीं से फिल्म में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। तो अगर आपको याद हो, जब मुनि दीपा के सामने अपने विचार प्रकट करता है भगवान को लेकर, उस वक्त वो गीता, कुरान, बाइबल के साथ साथ थिरुकुरल नाम की किताब का भी जिक्र करता है। तो सबसे पहले अगर आप थिरुकुरल के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको ये तस्वीर देखने को मिलेगी, तो इस तस्वीर को ध्यान में रखिएगा। दरअसल थिरुकुरल एक ऐसी किताब है जहां पर हमें सदाचार जीवन के बारे में बताने की कोशिश की गई है और हमें इस किताब के द्वारा ये सिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक इंसान शादीशुदा जिंदगी के साथ साथ एक शुद्ध, एक पवित्र जीवन बिता सकता है। और यहाँ पर इस किताब में इन सभी चीजों को दोहों के द्वारा सिखाने की कोशिश की गई है। और अगर आपको याद हो तो इसी सीन के दौरान मुनि एक और लाइन बोलता है जहां पर वो कहता है कि अगर आप भगवान की केवल पूजा ही करते रहोगे तो कभी भी आपको वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जो आप भगवान की पूजा करके करना चाहते हो। अगर आपको उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको ईश्वर के जीवन के एक एक विचारों को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। और इसी चीज का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है फिल्म के इस सीन में। और यहीं पर आता है फिल्म का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। वैसे तो आपने इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा, पर जब यहाँ पर महा इस चक्कू को लेता है तो यहाँ पर अगर आप साइड पर नजर डालोगे तो यहाँ पर आपको थिरुकुरल नाम की जो किताब है वो देखने को मिलती है। ये जो तस्वीर है आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। मतलब ये है कि थिरुकुरल नाम की जो किताब थी वो कहीं ना कहीं महा के पास भी थी। मतलब उसने उस किताब को शायद पढ़ा भी होगा पर उन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश शायद कभी नहीं की। और जब दीपा ने महा को मुनि के बारे में, उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया होगा तो कहीं ना कहीं उसी दौरान दीपा ने महा को इन किताबों के बारे में बताया होगा, जिसके बाद महा को इन किताबों की और थिरुकुरल नाम की किताब की अहमियत समझ आई होगी। और शायद इसी दौरान दीपा ने महा को मुनि द्वारा लिखे गए
कुछ नोट्स जो कि उसने थिरुकुरल किताब के ऊपर और योगा के ऊपर लिखे थे वो सौंप दिए होंगे। और इस चीज पर भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं जल्द ही इसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर उस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले फिल्म में और कुछ सीन्स थे जिन पर आपको नजर डालनी चाहिए, जहां पर आपको एक और बहुत ही कमाल का रेफरेंस देखने को मिलता है। तो जेल के अगर इस सीन पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर महा जो है किसी बहुत बड़े संत की तरह बैठा हुआ है, किसी बहुत बड़े मुनि की तरह बैठा हुआ है, जहां पर उसके आजू बाजू में ये जो शख्स है मानो किसी स्टूडेंट की तरह, किसी डिसाइपल की तरह उसके साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सीन है हमें कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध के एक बहुत ही फेमस तस्वीर की याद दिलाती है। जी हाँ, अगर आप इस तस्वीर पर ध्यान दो तो ये तस्वीर और ये जो सीन है काफी हद तक एक जैसे नजर आते हैं। फिर भी अगर आपको यकीन ना हो तो अगले फ्रेम पर अगर आप नजर डालते हो तो यहाँ पर जब महा बैठा हुआ है और यहाँ पर अगर आप साइड पे दीवार पे नजर डालो तो यहाँ पर भी तथागत गौतम बुद्ध जी की तस्वीर बनी हुई है। तथागत गौतम बुद्ध जिनको महामुनि भी कहा जाता था, उन्होंने ये कहा था अत्य दीप भव, यानी कि खुद की रोशनी खुद ही बनो। तो अब समय आ चुका है फिल्म के टाइटल को जस्टिफाई करने का। महा जो कि फिल्म खत्म होते होते पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है और बिल्कुल अकेले ही वो अपने दुश्मनों को भी मारता है और मुनि के दुश्मनों को भी मारता है। वहीं दूसरी तरफ मुनि जिसने जिंदगी के सही मायने समझे और हमारे ग्रंथों और हमारे पुराणों के द्वारा असली ज्ञान की प्राप्ति की, तो यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के उस वाणी के द्वारा ये कहने की कोशिश की गई है कि जो अपने जिंदगी का सही उद्देश्य समझ लेता है, जो जिंदगी का सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपनी परेशानियों का हल खुद ही ढूंढता है, वही जिंदगी में सही मायनों में महामुनि कहलाता है। वैसे हिंदी डब वर्जन में क्लाइमेक्स सीन पर यहाँ पर कागज पे जो लिखा था उसे पूरी तरह से मिटा दिया है, पर तमिल वर्जन में जो लिखावट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जब मैंने गूगल ट्रांसलेट पर स्कैन करके इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की तो यहाँ पर लिखा हुआ है थिरुकुरल सदाचार। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन के बीच में मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं दीपा ने मुनि के जो नोट्स थे थिरुकुरल योगा के लेकर जो नोट्स थे वो कहीं ना कहीं महा को सौंप दिए होंगे, तो इस चीज का जो एक सबसे बड़ा सबूत है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अब फिल्म के अंत होते होते महा को मुनि के ज्ञानों की प्राप्ति हो जाती है और जिंदगी के सही मायने पता चल जाते हैं और अब उसने अपनी जिंदगी में वो ज्ञान वो ताकत प्राप्त कर ली है कि इतनी तेज लहरों के विपरीत भी वो तैरना सीख चुका है। तो हो सकता है कि फिल्म को कुछ लोग नेगेटिव एंगल से भी देखने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये जो फिल्म है सिर्फ हमारे समाज के नेगेटिव पॉइंट्स जैसे कि कास्ट सिस्टम और डर्टी पॉलिटिक्स जैसी चीजों को दिखाने की कोशिश नहीं करती है। इन सभी चीजों को दिखाने के साथ साथ ये जो फिल्म है हमें हमारे पुराणों की, हमें हमारे ग्रंथों की, हमें हमारी संस्कृति की सही अहमियत और महत्व भी समझाने की कोशिश करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि जीवन में किस तरह से सही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। मैं जानता हूं दुनिया में या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे काफी लोग होंगे जो इन सभी चीजों को अलग वे में, नेगेटिव वे में भी आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी एक अलग टैलेंट बसता है, पर मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है। और अभी भी इतने बड़े एक्सप्लेनेशन के बाद भी मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि मैंने आपको जितना कुछ समझाया है, जितना कुछ एक्सप्लेन किया है, ये केवल इस फिल्म का 50% है। और अगर फ्रेम टू फ्रेम, सीन टू सीन हर एक सीन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जाए तो फिल्म में और ऐसे काफी चीजें देखने और सुनने को मिलेगी जिसको देखने के बाद शायद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। तो उम्मीद करता हूं इन सभी चीजों को सुनने के बाद अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार ये फिल्म क्या कहने की कोशिश कर रही है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि इन सभी चीजों को समझने के बाद ये जरूरी नहीं कि फिल्म आपको पसंद आए। फिल्म पसंद आना ना पसंद आना हर एक की चॉइस है, हर एक का अधिकार है। पर एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी फिल्म के बारे में किसी भी डायरेक्टर को गाली देने से पहले ये समझ लो कि क्या आपको फिल्म समझ आई है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने 8 साल देकर एक कहानी लिखी तो कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ मेहनत जरूर की होगी। तो अब आप समझदार हो और मुझे उम्मीद है कि अब आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे। और इसके अलावा भी पूरी फिल्म की कहानी को लेकर अगर आपके कुछ भी लॉजिकल और सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर एक ओपिनियन की हम रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे पर वहां पर लॉजिक और सेंस बनना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन फिल्म महामुनि या फिर मगामुनि को लेकर। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।